हम कह रहे भाई साहब इस देश का शासन में कौन लोग बैठा हुआ है, इस देश के डीएम किस जाति के लोग होते हैं, इस देश के सीएम किस जाति के लोग होते हैं, इस देश के सत्ता प्रतिष्ठान में किस जाति के लोग बैठे हैं, जो मनु स्ट्रीम और मनी स्ट्रीम की मीडिया है उसमें किस जाति के लोग बैठे हुए हैं, जो इस देश की जमीन है किस जाति के लोग हैं, इस देश के न्यायपालिका में किस जाति के लोग बैठे हुए हैं, इस देश के इंडस्ट्री में किस जाति के लोग हैं, इस देश के जो मीडिया सेक्टर उसमें किस जाति के लोग हैं। हम तो कहते भाई जाति आधारित जनगणना की घोषणा कर दो, सब पता चल जाएगा किसकी आबादी कितनी है और कौन कितना शासन करके बैठा हुआ है। वही तो लड़ाई, तुम आंकड़े तो सार्वजनिक करो, तुम आंकड़े से डरते हो। ठीक है, आप बाबा साहब के कई कोड आपने इन्वेंट किए। मेरा सवाल यह है कि उन्होंने ये भी कहा कि बाबा साहब ने कहा था कि आरक्षण का फायदा अगर ज्यादा समय तक SC ST OBC उठाएगा तो मोहताज हो जाएगा, आप इससे सहमति भर? बाबा साहब नहीं बोले थे, कहीं नहीं बोले थे, झूठ बोलते हैं वाले, कहां पड़े हैं वो? मुझसे सवाल किया था ये, वो झूठ बोलते हैं भाई साहब। उन्होंने तमाम आर्टिकल्स देखे हैं, बाबा साहब 1939 में RSS की शाखा में गए। वो भाई कलम तुम्हारा है, इतिहास तुम्हारा है, तुमने हमको शिक्षा से वंचित कर दिया, तुमने हमारे बौद्ध शास्त्रों को जलाया, तुमने हमारे सम्राट अशोक के 84,000 बौद्ध विहारों को तोड़ दिया, तुमने 10 विद्यालयों को बौद्ध विहारों को तोड़ा, तो तुम आज जो लिख दोगे हम मान लेंगे। हम बाबा साहब कहाँ लिखे हैं, किस वैल्यूम से मैं लिखे? मैं कच्चा से अम्बेडकर की वैल्यूम पढ़ता हूँ, हिम्मत है तो मोहन भागवती अम्बेडकर वैल्यूम पे एक बार डिबेट करके दिखा दे। झूठ बोलते हैं। पॉलिटिकल रिजर्वेशन इज डिफरेंट फ्रॉम सोशल एंड एजुकेशन रिजर्वेशन, कॉमन कॉन्सेप्ट विच मस्ट हैव टू अंडरस्टैंड अस। ये झूठ बोलते हैं, लोग पढ़े लिखे नहीं है, गोबर को गणेश मानने वाले बहस करेंगे तर्क पे। चलो अभी क्या लगता है, इतना कुछ आंदोलन हो रहे हैं, लगता है कि जो स्टूडेंट्स की मांग है वो मांग सरकार जो है वो पूरी करेगी? देखिए प्यार मोहब्बत को खेल तो है नहीं कि प्यार से प्रपोज करेंगे सामने वाला प्रेमी और प्रेसी मान जाएगी, बिल्कुल नहीं, संघर्ष करना पड़ेगा और हम लोग संघर्ष करेंगे। देखिए हजारों साल से हमने संघर्ष किया लेकिन रीढ़ की हड्डी टूटी नहीं है, संघर्ष कर रहे हैं हम लोग, झुकाएंगे। हिटलर जैसे निज़ाम झुक चुके हैं स्टूडेंट पावर के सामने, यूथ पावर के सामने, और रसिया में जो तानाशाही हुकूमत थी वो झुक चुकी थी, क्यूबा की तानाशाह हुकूमत बर्खास्त हो गई, भारत की तानाशाह हुकूमत भी बर्खास्त हो गई। हमारे पुरखे तब लड़े थे जब संविधान नहीं था, आज हमारे पास अधिकार है तो जाहिर तौर पर सीना ठोक के लड़ेंगे। दम है तो ठाए ठाए गोली वालों से गुलवा दो, ठाए ठाए पुलिसिया वालों से लाठी चलवा दो, लेकिन नहीं रोक पाओगे। सूरज मरेगा कोई और खड़ा होगा, जिस तरह से रोहित मरा तो सूरज खड़ा होगा, कोई और खड़ा होगा। तो जिस तरीके से मतलब कहते हैं कि टुकड़े टुकड़े गैंग, क्या आप भी उस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं, हम तो जोड़ने की बात कर रहे हैं, हमने कभी नहीं कहा हम चमार एकता की बात करते हैं, हमने कभी नहीं कहा हम धोबी एकता की बात करते हैं, हम तो 85% एकता की बात करते हैं। टुकड़े टुकड़े तो तुम हो यार, एक बात बताओ इस देश में टुकड़ा टुकड़ा किया कौन? ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चार वर्ण कौन बनाया? 6,743 जाति में टुकड़े टुकड़े कौन बनाया? तो टुकड़े टुकड़े गैंग के आका तो तुम ही लोग हो ना भाई, तुमने इतिहास में लिख दिया कि अंग्रेजों ने आया फूट डोलो शासन पर राज। भाई अंग्रेजों ने 120 अधिक देशों में शासन किया, फूट डालो और राज करो केवल भारत में कहीं अप्लाई किया, क्योंकि सीखा तुमसे था। तो टुकड़े टुकड़े गैंग के आका तुम लोग हो, तुम लोग इस देश को तोड़ना चाहते हो, हम लोग इस देश को जोड़ना चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि आबादी के हिसाब से जमीन का बंटवारा हो, हम लोग चाहते हैं कि आबादी के हिसाब से संसाधन का बंटवारा हो। किस हिसाब से संसाधन का बंटवारा रहेगा तभी इस मुल्क में लोकतंत्र स्थापित हो पाएगा। चलिए बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।